धोखा फरेब बेईमानी, अपने ही देश से गद्दारी उसके चरित्र का हिस्सा है और कुछ लोग समझते हैं कि वो दानवीर फरिश्ता है। शेतकरी कामगार पक्ष के युवा नेता अब्दुल कादिर कच्ची फिर से जेल में। आदाब, मैं नाजिया शेख, लंत्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। शेतकरी कामगार पक्ष पनवेल विधानसभा वाइस प्रेसिडेंट कादिर भाई कच्ची को गुजरात स्टेट पुलिस ने लोगों को फंसाने और साइबर क्राइम के जुर्म में पनवेल नांदगांव से उनके घर से किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि इससे पहले भी कादिर इब्राहिम कच्ची के खिलाफ कलवा थाना, दिल्ली, हरियाणा में धोखाधड़ी के काफी केसेस हैं। अब अहमदाबाद में भी कादिर कच्ची के खिलाफ 420, 120 BIT एक्ट के जरिए कंप्लेंट है। अहमदाबाद के सब इंस्पेक्टर KM परमार और उनकी टीम कादिर कच्ची को पनवेल से अरेस्ट कर अहमदाबाद ले गई है। ऐसे ही उल्लासनगर के रहने वाले निनान तेलगोटे इनको ईमेल करके कादिर कच्ची ने कहा था कि खेकड़े का ब्लू ब्लड हम कैंट मेडिकल कंपनी को बेच कर अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, इसलिए निनान ने 3,66,000 बैंक में डिपॉजिट किए थे। ये और ऐसे कई केसेस हैं जिनके ऊपर 420, 34 कलम और 66D गुना दाखिल है। इतना ही नहीं, थाने के कासर वड़ोली पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ फसवानू की कंप्लेंट है। इनकी गुंडागर्दी का हिसाब कुछ ऐसा है कि न खाता न वही जो ये करे वही सही। पहले भी पनवेल के पर्शियन दरबार होटल में वेटर का काम करने वाले कादिर कच्ची होटल बंद होने से बेकार थे। अचानक उनके पास जब घर पर पुलिस की रेड गिरी तो उनके घर से 37 मोबाइल फोन, 21 डेबिट कार्ड, अलग अलग बैंक से 28 चेकबुक, 47 इम्पोर्टेड वॉचेस मिली थी और वो जब्त की गई थी। इतना ही नहीं, उनकी गुंडागर्दी का ये आलम है कि ये खुद लोगों को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इनसे उम्मीद न रख, ये है सियासत वाले। इनसे उम्मीद न रख, ये है सियासत वाले। ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। सिटी पुलिस में भी उनके खिलाफ लोगों को धमकी देने की कंप्लेंट दर्ज है। इनकी एक गैंग है जिनके जरिए ये पूरा काम अंजाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज, मुंबई।